इंसान की फ़ितरत है ला हासिल को रोता है और हासिल को रुलाता है मुख्तलिफ लोगों की की हुई एक ही बात मुख्तलिफ असर रखती है और ये तासीर अता के दर्जात की वजह से होती है पूरी बात सुने बगैर बीच में बोलने वाले अक्सर लोग अहमक होते हैं लोगों की नफ़रत को इतना इग्नोर करें कि उनको अपने ज़िंदा होने पर शक होने लगे अगर तनकीद ही करनी हो तो नर्म लहजे में करें क्योंकि नर्म लहजा ज़मीर जगाता है जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है अल्फाज की सादगी बात की अहमियत कम नहीं कर सकती थी तहक़ीक ऐसी ना हो कि महब्बत ख़त्म हो जाए और तकलीर ऐसी ना हो कि तहक़ीक ख़त्म हो जाए लहजे समझ आ जाते हैं मुझे बस लोगों को शर्मिंदा करना अच्छा नहीं लगता